तूफा खान, ये बताइए, जी अतूफा नाम है आपका? हाँ, पूरा नाम है तूफा खान। अच्छा, और तो ये बताइए, क्या कहते हैं, कौन सी क्लास में हैं आप? हम हैं थर्ड क्लास में। थर्ड? जी, अच्छा, मतलब तो आने वाले हैं थर्ड अच्छा, में। सेकंड पास किया आपने इस बार। अच्छा, ये बताइए, क्या कहते हैं, ये जो वायरस चल रहा है आजकल, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। जी, ये वायरस आया है चीन से, और किसी ने चमगादड़ का सूप पिया तो ये उससे हुआ ये वायरस। और ये अच्छा वायरस फैला कैसे है हम ये भी बताएंगे। तो ये अच्छा वायरस फैला जैसे चीन से कोई यहाँ पर आया इंडिया में, और इंडिया में कोई उसका रिश्तेदार आया था, उससे उन्होंने ऐसे हैंड लाया अपना, तो ऐसे ही फिर उसने दूसरे से मिला, ऐसे फिर उसने दूसरे से मिला, ऐसे हमारी पूरी इंडिया में ये वायरस हो गया। अच्छा जी अच्छा पूरी दुनिया में फैल गया ये तो हाँ, इस ऐसे टाइम। पूरी दुनिया में हमारा फैला है। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, तो ये बताइए, इससे कुछ बचने के तरीके बताइए, थोड़े उपाय बताइए, ये कैसे इससे बचा जा बचने का सकता। तरीका है, और जैसे आप बाहर निकल रहे हैं ना, तो आप ये ऐसा मास्क लगा के निकलिए, मास्क लगा के निकलिए इस तरीके से, ये ऐसा मास्क लगा के निकलिए बाहर निकल रहे हैं तो। और टाइमिंग आपकी 6 o'clock से 9 o'clock तक, ओके। और सैनिटाइजर लगा के निकलिए, ओके। और खांसते या छींकते वक्त आप इस तरीके से इसका हैंकी का यूज करिए, या फिर तो टिश्यू पेपर, अच्छा ओके। ठीक है। अच्छा, तो ये और बताइए, हैंड वॉश करते रहिए अच्छा, ये बताइए, क्या 20 सेकेंड तक करिएगा। 20 सेकंड तक हाथ धोने हमें? वही अच्छा अच्छा तो ये बताइए, ये जो वायरस फैला है तो इतनी स्पीड से क्यों फैल रहा है इतना? ये तो स्पीड से इसलिए फैल रहा है, मतलब क्योंकि लोग मान भी नहीं रहे हैं, सब लोग बाहर निकल रहे हैं सुबह शाम दोपहर, इसलिए बाहर निकल, और सब लोग मिल जा रहे हैं, तो ऐसे ही फैल रहा है। प्लीज सब लोग अपने घरों के अंदर रहे, टाइमिंग सबको बता तो रखी है ना, 6 o'clock से 9 o'clock तक, और कोई भी रुक नहीं रहा, सब बाहर बाहर निकले जा रहे हैं, तब सबको हो जाएगा ना, जब पता चलेगा आप सबको, इसलिए घर के अंदर प्लीज रहिए, प्लीज। अच्छा, घर में ही बंद रहे हैं बिल्कुल। हाँ, घर में मतलब निकलिए 6 o'clock टू 9 o'clock, अब बच्चों को, और बच्चों को बिल्कुल नहीं, बच्चों और बूढ़ों को हो रहा ज़्यादा जरूरत हो ये कोरोना वायरस। अच्छा, तो कुछ खाने पीने के बारे में इसका कुछ खाने बताइए पीने के इस। बारे में, आप कुछ भी ना खाइए बाहर की, तो बिल्कुल ना खाइए। घर में कोई आपका सामान टॉफी वगैरह रखा है तो वो खाइए, एक्सपायर हो चुका है तो किसी को भी ना, ये समझिए कि हम लोग गरीब को दे रहे हैं वो खाने के, पर नहीं, बाहर फेंकिए उसको, उठा के डस्टबिन में डालिए, बाहर फेंकिए, अच्छा कोई उठा ही लेगा वो तो बस। अच्छा और खाने पीने में आप खाइए दाल रोटी, दाल चावल, और सादे बिरयानी चावल रखे वो खाइए, गोश्त बिल्कुल ना खाइए। खा भी रहे तो गर्म पानी में पहले उसको अच्छे से पकाइए, ताकि उसका अंदर का जम्स ये सब निकल जाए कीटाणु वगैरह, फिर आप खाइए। अच्छा और ये मुर्गे का भी बिल्कुल ना, क्योंकि मुर्गे वैसे उतर बाहर बहुत फिरते हैं। अच्छा, तो और बताइए कुछ वायरस से बचाव के उपाय और कुछ भी चीज़। आपको अभी हमें बताया था कि मास्क वगैरह सब लगा अच्छा, तो ये रहे, बताइए, लॉकडाउन क्यों किया गया मोदी जी ने, ये लॉकडाउन लॉकडाउन? इसलिए किया है मोदी जी ने सबको बचाने के लिए, ऐसे मोदी जी करेंगे नहीं, मोदी जी ने सबको बचाने किया है। जैसे अगर लॉकडाउन वो 1 मिनट के लिए भी खोलेंगे, 1 दिन के लिए भी खोलेंगे, सब ट्रेन में खटा जाएंगे, जो भी सीट मिल जाएगी वो उसमें बैठेंगे, और सब लोग मिल जाएंगे, ऐसे हम भीड़ हो लोग, जाएगी मतलब? हाँ भीड़ हो जाएगी, और ऐसे करो ना हो सकता है। अच्छा, इसलिए लॉकडाउन किया गया है। तो ये लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए कि नहीं? जब थोड़ा सा बच्चे बढ़ना चाहिए वैसे तो, क्योंकि बहुत लोग मिल सकते हैं ना, अब पता नहीं कौन चीन से आया, कौन यहाँ से आया, कौन वहाँ से आया हो, तो बढ़ सकते हैं, इसलिए बढ़ाना चाहिए। तब खत्म हो, जब आप लोग जितना आप लोगों को बाहर निकले उतना मन गए, कुछ भी ना करिए, पर बाहर निकलिए, पर अभी बिल्कुल भी ना निकलिए, टाइमिंग है 6 o'clock से 9 o'clock तक। अच्छा, ये बताइए, तो ये लॉकडाउन जो लगाया है, तो गरीब लोग तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, वो खाना कैसे खाएंगे फिर? ये बात भी सही है, तो पुलिस फोर्स है तो ना बाहर पूरी, उसकी सब खड़ी है टीम, तो पुलिस उन लोग को तीनों टाइम का खाना दे, दाल चावल, दाल रोटी, अब सादे पुलाव के चावल हम लोग अभी यही खाते थे, और पानी की 2-2 3 दिन बोतलें दे, हाँ आस पड़ोस वाले जो हैं वो भी उनको खाना दे। अच्छा ठीक है, सही है, चलिए। अच्छा, ये बताइए, तो और कुछ बताइए।
और मोदी जी को हम थैंक यू कहना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन करा, सबको बचाया, हमारे देश को बचाया। हमारे देश को बचाया ना, कोरोना खत्म हो ही रहा है पर अब पता नहीं कब तक खत्म हो जाएगा। जब तक उसकी दवाई बन पाएगी जब तक खत्म हो जाएगा, तो गर्मी में रहेंगे गर्म से ही कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। अभी तो बहुत कम कम थोड़ी थोड़ी गर्मी आई है तो इसलिए ज़्यादा गर्मी अभी तक आई नहीं है। हाँ, एसी कूलर और फैन तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ना चलाइए क्योंकि ठंड हो सकती है। चलाइए 5-10 मिनट के लिए चलाइए, ये नहीं कह रहे बिल्कुल ना चलाइए, चलाइए 5-10 मिनट के लिए, कंबल या फिर चादर सोए उतार के बिल्कुल ना सोए, ये सब ठीक है। और ये और सी मैं नमाज और बोला पूजा में नमाज पूजा वगैरह नमाज पढ़े, पूजा करे और दुआ मांगे, घर पे करे, बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं इसलिए क्योंकि हो सकता है ना जाए सब इकट्ठे। नमाज पूजा करे, दुआएं मांगे, वाई पे दी तो कहिए दुआ तो आप उसमें से लेके मांगे सकते, और ठीक 3 बार पढ़िए फू की सकते, है। और दूर दूर करिए मतलब थोड़ा सा गैप दूर, अगर आपको बेड है तो आपको बड़ा या छोटा पर एक उस कोने में सोइए, एक इस बताते रहिए कुछ और। और अगर मोदी जी भी कहीं बाहर बैठ रहे हैं वो भी प्लीज मास्क लगा के बैठे हैं, उससे कहने तो नहीं चाहिए पर आप बैठ सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं इसलिए सॉरी बोलने के लिए, पर आप मास्क लगा के निकलिए प्लीज ठीक है, आप ऐसे निकलने चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट वीडियो। तूफा खान ये बताइए, अतूफा जी नाम है आपका? हाँ, पूरा नाम है तूफा खान। अच्छा, और तो ये बताइए क्या कहते हैं, कौन सी क्लास में हैं आप? हम हैं 3rd क्लास में थर्ड में। जी, अच्छा, मतलब तो आने वाले हैं अच्छा 3rd में। अच्छा सेकंड पास किया आपने। अच्छा ये बताइए क्या कहते हैं, ये जो वायरस चल रहा है आजकल इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। जी, ये वायरस आया है चीन से और किसी ने चमगादड़ का सूप पिया तो ये उससे हुआ है ये वायरस, और ये अच्छा वायरस फैला कैसे हम ये भी बताएंगे। तो अच्छा ये वायरस फैला जैसे चीन से कोई यहाँ पर आया इंडिया में, और इंडिया में उसका रिश्तेदार आया था उससे उन्होंने ऐसे हैंड लाया अपना, तो ऐसे ही फिर उसने दूसरे से मिला, ऐसे फिर उसने दूसरे से मिला, ऐसे हमारी पूरी इंडिया में ये वायरस हो गया। अच्छा जी अच्छा पूरी दुनिया में फैल गया ये हाँ, दोस्त ऐसे है। पूरी दुनिया में हमारा फैला है। अच्छा, ये बताइए। अच्छा तो ये बताइए इससे कुछ बचने के तरीके बताइए, थोड़े उपाय बताइए कैसे ये इससे बचा बचने का जाए। तरीका है, और जैसे आप बाहर निकल रहे हैं ना तो आप ये ऐसा मास्क लगा के निकलिए, मास्क लगा के निकलिए इस तरीके से, ये ऐसे मास्क लगा के निकलिए बाहर निकल रहे हैं तो, और टाइमिंग आपकी 6 o'clock से 9 o'clock तक। ओके, और सैनिटाइजर लगा के निकलिए। ओके, और खांसते या छींकते वक्त आप इस तरीके से इसका हैंकी का यूज करिए या फिर तो टिश्यू पेपर। अच्छा ओके, ठीक है। अच्छा तो ये और बताइए, हैंड वॉश करते रहिएगा अच्छा, ये बताइए क्या 20 सेकेंड तक करिएगा। 20 सेकंड तक हाथ धोने हमें? वही अच्छा अच्छा तो ये बताइए, ये जो वायरस फैला है तो ये इतनी स्पीड से क्यों फैल रहा है इतना? ये तो स्पीड से इसलिए फैल रहा है मतलब क्योंकि लोग मान भी नहीं रहे हैं, सब लोग बाहर निकल रहे हैं सुबह शाम दोपहर इसलिए बाहर निकल, और सब लोग मिल जा रहे हैं तो ऐसे ही फैल रहा है। प्लीज सब लोग अपने घरों के अंदर रहे, टाइमिंग सबको बता तो रखी है ना 6 o'clock से 9 o'clock तक, और कोई भी रुक नहीं रहा, सब बाहर बाहर निकले जा रहे, तब सबको हो जाएगा ना जब पता चलेगा आप सबको, इसलिए घर के अंदर प्लीज रहिए प्लीज। अच्छा, घर में ही बंद रहे हैं बिल्कुल। हाँ, घर में लोग निकलिए 6 o'clock टू 9 o'clock, और बच्चों को और बच्चों को बिल्कुल नहीं, बच्चों और बूढ़ों को ज़्यादा जरूरत हो ये कोरोना वायरस। अच्छा, तो कुछ खाने पीने के बारे में इसका कुछ खाने बताइए। पीने के बारे में आप कुछ भी ना खाइए बाहर तो बिल्कुल ना खाइए, घर में कोई आपका सामान टॉफी वगैरह रखा है तो वो खाइए, एक्सपायर हो चुका है किसी को भी ना दिए, समझे कि हम लोग गरीब को दे रहे वो खाने के पर नहीं, बाहर फेंके उसको उठा के डस्टबिन में डालिए, बाहर फेंके कोई उठा ही लेगा वो तो बस। अच्छा और खाने पीने में आप खाइए दाल रोटी दाल चावल और सादे बिरयानी चावल रखे वो खाइए, गोश्त बिल्कुल ना खाइए, खा भी रहे तो गर्म पानी में पहले उसको अच्छे से पकाइए ताकि उसका अंदर का जाम्स ये सब निकल जाए कीटाणु वगैरह, फिर आप खाइए। अच्छा और ये मुर्गे का भी बिल्कुल नहीं, मुर्गे वैसे उतर बाहर बहुत फिरते हैं।
तो और बताइए कुछ वायरस से बचाव के उपाय और कुछ भी चीज़। आपको अभी हमने बताया था कि मास्क वगैरह सब अच्छा लगाना तो ये जरूरी है। बताइए लॉकडाउन क्यों किया गया मोदी जी ने, ये लॉकडाउन लॉकडाउन। इसलिए किया है मोदी जी ने सबको बचाने के लिए, ऐसे मोदी जी करेंगे नहीं, मोदी ने सबको बचाने किया है। जैसे अगर लॉकडाउन वो 1 मिनट के लिए भी खोलेंगे, 1 दिन के लिए भी खोलेंगे, सब ट्रेन में खट्टा जाएंगे, जो भी सीट मिल जाएगी वो उसमें बैठेंगे और सब लोग मिल जाएंगे, ऐसे हम भीड़ हो लोग, जाएगी मतलब। हाँ भीड़ हो जाएगी, और ऐसे करो ना हो सकता है। अच्छा इसलिए लॉकडाउन किया गया है। तो ये लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए कि नहीं? जब थोड़ा सा बच्चा बढ़ना चाहिए वैसे तो, क्योंकि बहुत लोग मिल सकते हैं ना, अब पता नहीं कौन चीन से आया, कौन यहाँ से आया, कौन वहाँ से आया हो, तो बढ़ सकते हैं, इसलिए बढ़ाना चाहिए। तब खत्म हो, जब आप लोग जितना आप लोगों को बाहर निकले उतना मन गए, कुछ भी ना करिए, पर बाहर निकलिए पर अभी बिल्कुल भी ना निकलिए। टाइमिंग है 6 o'clock से 9 o'clock तक। अच्छा ये बताइए तो ये लॉकडाउन जो लगाया है तो गरीब लोग तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, वो खाना कैसे खाएंगे फिर? ये बात भी सही है, तो पुलिस फोर्स है तो ना बाहर पूरी, उसकी सब खड़ी है टीम, तो पुलिस उन लोग को तीनों टाइम का खाना दे, दाल चावल, दाल रोटी, अब सादे पुलाव के चावल हम लोग को भी यही खाने चाहिए, और पानी की 2 2 3 दिन बोतलें दे। हाँ आस पड़ोस वाले जो हैं वो भी उनको खाना दे। अच्छा ठीक है सही है। चलिए अच्छा ये बताइए तो और कुछ बताइए। और मोदी जी को हम थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन करा, सबको बचाया, हमारे देश को बचाया हमारे देश को बचाया ना, कोरोना खत्म हो रहा है, पर अब पता नहीं कब तक खत्म होएगा, जब तक उसकी दवाई बन पाएगी जब तक खत्म हो जाएगा। गर्मी में रहिए, गर्म से ही कोरोना वायरस खत्म होएगा। अभी तो बहुत कम कम थोड़ी थोड़ी गर्मी आई है, तो इसलिए ज़्यादा गर्मी अभी तक आई नहीं है। हाँ अच्छा एसी कूलर और फैन तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ना चलाइए, ठंड हो सकती है। चलाइए 5 10 मिनट के लिए चलाइए, ये नहीं कह रहे बिल्कुल ना चलाइए, चलाइए 5 10 मिनट के लिए, कंबल या फिर चादर के सोए उतार के बिल्कुल ना सोए, ये सब ठीक है। और ये ऐसे में नमाज और नमाज पूजा में नमाज पूजा वगैरह पढ़े, पूजा करे और घर। दुआ मांगे, घर पे करे, बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं इसलिए, क्योंकि हो सकता है ना जब सब इकट्ठे नमाज पूजा करे, दुआएं मांगे, वाई पे दी तो करिए दुआ, तो आप उसमें से लेके मांग सकते हैं, सब जल्दी ठीक और हो थ्री जाएगा। बार पढ़िए फू की सकते हैं, अच्छा और दूर दूर करिए, मतलब थोड़ा सा गैप दूर, अगर आपको बेड है तो आपको बड़ा या छोटा है पर एक उस कोने में सोइए, एक इस तरीके बताते रहिए कुछ और। से। और अगर मोदी जी भी कहीं बाहर बैठे हैं वो भी प्लीज मास्क लगा के बैठे हैं, आपसे कहने तो नहीं चाहिए पर आप बैठ सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, इसलिए सॉरी बोलने के लिए, पर आप मास्क लगा के निकलिए प्लीज, ठीक है, आप ऐसे निकलेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट वीडियो, नमाज पढ़े, पूजा करे और दुआ मांगे, घर पे करे, बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं इसलिए, क्योंकि हो सकता है ना जब सब इकट्ठे नमाज पूजा करे, दुआएं मांगे, वाई पे दी तो करिए दुआ, तो आप उसमें से लेके मांग सकते हैं, सब जल्दी ठीक और हो थ्री जाएगा। बार पढ़िए फू की सकते हैं, अच्छा और दूर दूर करिए, मतलब थोड़ा सा गैप दूर, अगर आपको बेड है तो आपको बड़ा या छोटा है पर एक उस कोने में सोइए, एक इस तरीके बताते रहिए कुछ और। से। और अगर मोदी जी भी कहीं बाहर बैठ रहे हैं वो भी प्लीज मास्क लगा के बैठे हैं, आपसे कहने तो नहीं चाहिए पर आप बैठ सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, इसलिए सॉरी बोलने के लिए, पर आप मास्क लगा के निकलिए प्लीज, ठीक है, आप ऐसे निकलेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट वीडियो, डस्टबिन में डालिए, बाहर फेंकेंगे अच्छा कोई उठा ही लेगा वो तो बस। अच्छा और खाने पीने में आप खाइए दाल रोटी, दाल चावल और सादे बिरयानी चावल रखे वो खाइए, गोश्त बिल्कुल ना खाइए, खा भी रहे तो गर्म पानी में पहले उसको अच्छे से पकाइए ताकि उसका अंदर का जम्स ये सब निकल जाए कीटाणु वगैरह, फिर आप खाइए। अच्छा और ये मुर्गे का भी बिल्कुल ना, क्योंकि मुर्गे वैसे उतर बाहर बहुत फिरते हैं, अच्छा। तो और बताइए कुछ वायरस से बचाव के उपाय और कुछ भी चीज़। आपको अभी हमने बताया था कि मास्क वगैरह सब अच्छा लगाना तो ये जरूरी बताइए लॉकडाउन क्यों किया गया मोदी जी ने, है। ये लॉकडाउन लॉकडाउन। इसलिए किया है मोदी जी ने सबको बचाने के लिए, ऐसे मोदी जी करेंगे नहीं, मोदी ने सबको बचाने किया है। जैसे
जैसे अगर लॉकडाउन वो 1 मिनट के लिए भी खोलेंगे, 1 दिन के लिए भी खोलेंगे, सब ट्रेन में खटा जाएंगे, जो भी सीट मिल जाएगी वो उसमें बैठेंगे और सब लोग मिल जाएंगे, ऐसे हम भीड़ हो लोग, जाएगी मतलब। हाँ भीड़ हो जाएगी, और ऐसे करो ना हो सकता है। अच्छा, इसलिए लॉकडाउन किया गया है। तो ये लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए कि नहीं? जब थोड़ा सा बच्चे बढ़ना चाहिए वैसे तो, क्योंकि बहुत लोग मिल सकते हैं ना, अब पता नहीं कौन चीन से आया, कौन यहाँ से आया, कौन वहां से आया हो, तो बढ़ सकते, इसलिए बढ़ाना चाहिए। तब खत्म हो, जब आप लोग जितना आप लोगों को बाहर निकले उतना मन गए, कुछ भी ना करिए, पर बाहर निकलिए पर अभी बिल्कुल भी ना निकलिए। टाइमिंग है 6 o'clock से 9 o'clock तक। अच्छा ये बताइए, तो ये लॉकडाउन जो लगाया है तो गरीब लोग तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, वो खाना कैसे खाएंगे फिर? ये बात भी सही है, तो पुलिस फोर्स है तो ना बाहर पूरी, उसकी सब खड़ी है टीम, तो पुलिस उन लोग को तीनों टाइम का खाना दे, दाल चावल, दाल रोटी, अब सादे पुलाव के चावल हम लोग को भी यही खाने चाहिए, और पानी की दो दो तीन दिन बोतलें दे, हाँ आस पड़ोस वाले जो हैं वो भी उनको खाना दे। अच्छा ठीक है, सही है, चलिए। अच्छा ये बताइए, तो और कुछ बताइए। और मोदी जी को हम थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन करा, सबको बचाया, हमारे देश को बताया, हमारे देश को बचाना, कोरोना खत्म हो ही रहा है, पर अब पता नहीं कब तक खत्म हो जाएगा, जब तक उसकी दवाई बन पाएगी जब तक खत्म हो जाएगा, तो गर्मी में रहिए, गर्म से ही कोरोना वायरस खत्म होगा। अभी तो बहुत कम कम थोड़ी थोड़ी गर्मी आई है, तो इसलिए ज़्यादा गर्मी अभी तक आई नहीं है। हाँ अच्छा एसी, कूलर और फैन, तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ना चलाइए, ठंड हो सकती है, चलाइए 5-10 मिनट के लिए चलाइए, ये नहीं कह रहे बिल्कुल ना चलाइए, चलाइए 5-10 मिनट के लिए, कंबल या फिर चादर के सोए उतार के बिल्कुल ना सोए, ये सब ठीक है। और ये ऐसे में हो जाए खान, ये बताइए, जी, अतूफा नाम है आपका? हाँ पूरा नाम है तूफा खान, अच्छा, और तो ये बताइए क्या कहते हैं, कौन सी क्लास में हैं आप? हम हैं 3rd क्लास में थर्ड में। जी, अच्छा, मतलब तो आने वाले हैं थर्ड अच्छा, में। सेकंड पास किया आपने इस बार। अच्छा ये बताइए क्या कहते हैं, ये जो वायरस चल रहा है आजकल, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। जी ये वायरस आया है चीन से, और किसी ने चमगादड़ का सूप पिया तो ये उससे हुआ है ये वायरस, और ये अच्छा वायरस फैला कैसे हम ये भी बताएंगे। तो अच्छा ये वायरस फैला जैसे चीन से कोई यहाँ पर आया इंडिया में, और इंडिया में कोई उसका रिश्तेदार आया था, उससे उन्होंने ऐसे हैंड मिलाया अपना, तो ऐसे ही फिर उसने दूसरे से मिला, ऐसे फिर उसने दूसरे से मिलाया, ऐसे हमारी पूरी इंडिया में ये वायरस हो गया अच्छा जी, अच्छा पूरी दुनिया में फैल गया ये तो हाँ इस ऐसे टाइम। पूरी दुनिया में हमारा फैला है। अच्छा, ये बताइए। अच्छा तो ये बताइए, इससे कुछ बचने के तरीके बताइए, थोड़े उपाय बताइए, ये कैसे इससे बचा बचने का जा। तरीका है, और जैसे आप बाहर निकल रहे हैं ना, तो आप ये ऐसा मास्क लगा के निकलिए, मास्क लगा के निकलिए इस तरीके से, ये ऐसे मास्क लगा के निकलिए बाहर निकल रहे हैं तो, और टाइमिंग आपकी 6 o'clock से 9 o'clock तक, ओके, और सैनिटाइजर लगा के निकलिए, ओके, और खांसते या छींकते वक्त आप इस तरीके से इसका हैंकी का यूज़ करिए, या फिर तो टिश्यू पेपर, अच्छा ओके, ठीक है। अच्छा तो ये और बताइए, हैंड वॉश करते रहिए अच्छा, ये बताइए क्या, 20 सेकेंड तक करिएगा। 20 सेकंड तक हाथ धोने हमें? वही अच्छा अच्छा तो ये बताइए, ये जो वायरस फैला है तो इतनी स्पीड से क्यों फैल रहा है इतना? ये तो स्पीड से इसलिए फैल रहा है, मतलब क्योंकि लोग मान भी नहीं रहे हैं, सब लोग बाहर निकल रहे हैं सुबह शाम दोपहर, इसलिए बाहर निकल, और सब लोग मिल जा रहे हैं, तो ऐसे ही फैल रहा है। प्लीज सब लोग अपने घरों के अंदर रहे, टाइमिंग सबको बता तो रखी है ना, 6 o'clock से 9 o'clock तक, और कोई भी रुक नहीं रहा, सब बाहर बाहर निकले जा रहे हैं, तब सबको हो जाएगा ना, जब पता चलेगा आप सबको, इसलिए घर के अंदर प्लीज रहिए, प्लीज, अच्छा, घर में ही बंद रहे हैं बिल्कुल। हाँ घर में ना निकलिए 6 o'clock टू 9 o'clock, अब बच्चों को और बच्चों को बिल्कुल नहीं, बच्चों और बूढ़ों को हो रहा ज़्यादा जरूरत हो ये कोरोना वायरस। अच्छा, तो कुछ खाने पीने के बारे में इसका खाने बताइए पीने के इस। बारे में आप कुछ भी ना खाइए बाहर की, तो बिल्कुल ना खाइए, घर में कोई आपका सामान टॉफी वगैरह रखा है तो वो खाइए, एक्सपायर हो चुका है, तो किसी को भी ना समझे कि हम लोग गरीब को दे रहे वो खाने के, पर नहीं बाहर फेंकिए उसको उठा के डस्ट।